नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का naukrikhabar.com के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत आई हुई नई भर्ती 2020 के बारे में, जिसका पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। साथ में इस भर्ती के लिए आप लोग 5 मई 2020 तक घर बैठे अपने मोबाइल फोन से बिल्कुल फ्री में ऑनलाइन आवेदन भी कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं। इस भर्ती के अंदर 3840 से भी ऊपर यहाँ पे पोस्टें जारी कर दी गई, जिनके बारे में आगे हम नोटिफिकेशन डाउनलोड करके स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी देखने वाले हैं। कोरोना वायरस की वजह से ये अर्जेंट रिक्रूटमेंट निकाली गई है, क्योंकि डिपार्टमेंट के पास यहाँ पे शायद हो सकते हैं कि ऑफिसर्स कम पड़ रहे होंगे काम करने के लिए, तो आप सभी की यहाँ पे बहुत ही जरूरत पड़ने वाली है। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत स्कूल के अंदर जो है तो आपको जॉब दी जाती है टीचर की पोस्ट पर, और आप सभी को पता होगा कि जितने भी बोर्ड परीक्षाएं थी कहीं कहीं तो रिजल्ट आ चुके हैं, लेकिन बहुत सारी जगह अभी ऐसा है जहां पे कॉपियां नहीं चेक करी गई या फिर कॉपियां चेक होने के बाद भी रिजल्ट जारी नहीं किया जा रहा है, जिस वजह से रिजल्ट में डिले हो रहा है और सारे के सारे स्टूडेंट्स को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो आप सभी के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जो कि टीचर की पोस्ट पर काम करना चाहते हैं 2020 में, सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, उन सभी के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी होने वाली है। आप सभी से वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरी देखने के साथ साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को अभी एक लाइक कर दीजिए, और आगे आने वाली वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट को देखने के लिए नौकरी खबर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ध्यान से बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और इस समय बहुत ही सही टाइम चल रहा है, अगर आप लोग सरकारी नौकरी का सपना देखते हैं तो यहाँ पर आपको वीडियो के खत्म होने के बाद वीडियो के डिस्प्ले में यहाँ पर और एक यहाँ पे चार नई लेटेस्ट रिक्रूटमेंट का लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमारे चैनल पे जाके अभी पिछले एक हफ्ते में जितनी भी वीडियो अपलोड करी उनको देख सकते हैं। कई कई जगह बहुत ही अच्छी बिना किसी परीक्षा के यहाँ पे वैकेंसीज आ चुकी हैं, आपको केवल जीमेल के माध्यम से आवेदन करना होगा। तो आप लोग उन सारी वीडियोस को देखिए और आवेदन जरूर करिएगा। महिला और पुरुष के लिए दोनों के लिए बड़ा मौका होने वाला है, ऑल इंडिया जॉब है, पूरे भारत से कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, और पहली बार यहाँ पर बिना किसी परीक्षा के सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत केवल और केवल इंटरव्यू के बेस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। फॉर्म फीस बिल्कुल फ्री है, आप लोग एक बार जरूर ट्राई करिएगा। चलिए चलते हैं आज के अपने टॉपिक पर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आज का आपका जीके का क्वेश्चन करना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले कल के जीके के क्वेश्चन का आंसर करना चाहूंगा। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, कल मैंने आप सभी से क्वेश्चन किया था वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी राजभाषाएं वर्णित हैं। आपके ऑप्शंस यहां पे देख सकते हैं, जिसका राइट आंसर बी था, यानी कि 22 जो है तो वर्तमान में राजभाषाएं वर्णित हैं। आज का आपका अगला नंबर क्वेश्चन है, जो कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इसका राइट आंसर आपको कहां पे देना होगा इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। सबसे पहले आप लोग यहां पे क्वेश्चन देख सकते हैं, भारतीय संविधान में राजभाषाएं किस अनुसूची में वर्णित हैं। यहां पर ए नंबर आपको ऑप्शन मिल जाएगा अनुसूची 5, और यहां पे बी नंबर अनुसूची 6, और सी नंबर अनुसूची 7, और डी नंबर अनुसूची 8। आपको इसका राइट आंसर जो है तो बताते हैं आगे चल के कहां पे देना होगा। दोस्तों, आपको इस भर्ती के बारे में सारी जानकारी सरकारी नौकरी के एंड्रॉइड एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएगी। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इस एंड्रॉइड एप्लीकेशन को अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल नहीं किया तो इसका लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और आप लोग प्ले स्टोर पे जाकर डायरेक्ट सर्च करेंगे सरकारी नौकरी, आपको ये पेज डायरेक्ट भी मिल जाएगा। इसके अलावा जो है तो आप लोग इसको इंस्टॉल करें, इंस्टॉल करने के बाद आपकी कोई ना कोई जीमेल आईडी होगी, उस जीमेल आईडी से सबसे पहले आप लोग इस एप्लीकेशन के अंदर खुद को रजिस्टर करिए, ताकि हमारी टीम के पास आपका नोटिफिकेशन आ सके कि इस नए स्टूडेंट ने अपने आपको रजिस्टर किया। देन उसके बाद लॉगिन करिए, लॉगिन करके इस एप्लीकेशन को 5 स्टार की रेटिंग के साथ एक अच्छा सा रिव्यू यानी कमेंट के साथ जो अभी मैंने क्वेश्चन किया उसका जवाब देना बिल्कुल भी मत भूलेगा। जितने भी लोग यहाँ पे राइट आंसर करेंगे उन सभी की जीमेल आईडी आ जाएगी, जिससे आवेदन करने में आपको आसानी होगी, आपके जीमेल पे डायरेक्ट लिंक भेज दिया जाएगा। 100K+ ऑलरेडी डाउनलोड कंप्लीट हो चुके हैं, और 4.6 की बहुत ही बेहतरीन रेटिंग करी 3000 से ऊपर स्टूडेंट ने पूरे प्ले स्टोर के ऊपर। तो आप लोग एक बार जरूर ट्राई करिएगा। चलिए नोटिफिकेशन को ओपन कर लेते हैं। दोस्तों, आपको डायरेक्ट आवेदन करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साथ में आप लोग जहाँ पे कमेंट करते हैं वहाँ पे मिल जाएगा, तो आप लोग क्लिक करके इस पेज पे आ सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद देख सकते हैं अप्रैल 20 यानी कि 20 अप्रैल 2020 का बड़ा अपडेट है, SSA रिक्रूटमेंट है 2020 के लिए, इट मींस की सर्व शिक्षा अभियान रिक्रूटमेंट है 2020 के लिए। हम बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में, तो 3846 पदों पर ये भर्ती आ चुकी है, जहाँ पर आपको टीचर्स यानी कि शिक्षक की पोस्टें देखने को मिलने वाली है। बात करते हैं इंपोर्टेंट डेट के बारे में, तो ये ऑलरेडी स्टार्टेड यानी कि फॉर्म भरे जाने शुरू हो चुके हैं, जो कि 5 मई 2020 इसकी आखिरी डेट है। 5 मई 2020 तक आप लोग अप्लाई ऑनलाइन कर पाएंगे। इंटरव्यू डेट जब भी आएगी, एडमिट कार्ड जब भी आएंगे, naukrikhabar.com वेबसाइट और यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको अपडेट कर दिया जाएगा। साथ में बात करते हैं उम्र के बारे में, तो कम से कम आपकी जो उम्र है वो 18 साल और अधिक से अधिक 37 वर्ष तक की होनी चाहिए। इसके अलावा SSA यानी कि सर्व शिक्षा अभियान के रूल के हिसाब से आपको आयु सीमा उम्र सीमा में छूट भी दी जाएगी। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल ओबीसी के लिए बिल्कुल फ्री, ST SCPH और ऑल कैटेगरी फीमेल यानी कि सभी कैटेगरी की महिलाओं का भी कोई एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगा। दोस्तों, यहां पर आरोग्य विभाग भर्ती 2020 यहां पे 8000 से ऊपर पदों पर आ चुकी है, इसके लिए मैंने वीडियो नहीं बनाया, तो आप लोग अभी जाइए अप्लाई हियर पे, जैसे ही क्लिक करेंगे आपको इसके अंदर अप्लाई करने का यहाँ पे पेज मिल जाएगा MP ऑनलाइन के थ्रू, तो आप लोग आसानी से अप्लाई कर पाएंगे। इसको एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे SSA रिक्रूटमेंट 2020 कौन कौन से राज्यों से अप्लाई कर सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पे पूरी की पूरी एक लिस्ट अपलोड कर दी गई, तो आप लोग डिटेल में देख सकते हैं। साथ ही हम बात करते हैं सैलरी के बारे में, तो सैलरी यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में 10,300 रुपए पर मंथ दी जाएगी, बिकॉज यहाँ पे छोटे लेवल से स्टार्ट करना होगा। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे योग्यता के बारे में, तो आपका यहाँ पे 10वीं 12वीं डिग्री डिप्लोमा आप लोगों का यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है उसमें यहाँ पे डिटेल में बताया
बनाया गया है। हाउ टू अप्लाई 5 मई तक आप लोग SSC की ऑफिशियल वेबसाइट से अप्लाई कर पाएंगे। आपका जो सिलेक्शन है वो इंटरव्यू के बेस पे होगा। सबसे पहले आप लोग सरकारी नौकरी का एंड्रॉइड एप्लीकेशन यहाँ से भी डाउनलोड कर पाएंगे। इसको डाउनलोड करिए, इंस्टॉल करिए, जीमेल के माध्यम से रजिस्टर करिए और लॉग इन करने के बाद इस एप्लीकेशन को 5 स्टार की रेटिंग के साथ एक अच्छा सा कमेंट यानी रिव्यू देना बिल्कुल भी मत भूलेगा। अप्लाई ऑनलाइन का लिंक है, डाउनलोड फुल नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है। जैसे ही आप लोग अप्लाई ऑनलाइन या फिर डाउनलोड फुल नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे आप लोग सीधे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे रिडायरेक्ट कर दिए जाएंगे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं रिक्रूटमेंट ऑफ मास्टर कैडेट टीचर्स 2020 यानी कि 2020 के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट आ चुका है। जैसे आप लोग इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे नोटिस पूरा का पूरा जो है तो डाउनलोड हो जाएगी। आप लोग इसमें से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊं तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के लिए 500 लाइक का टारगेट है, इसको जल्दी से कंप्लीट करिए और एप्लीकेशन के अंदर राइट आंसर करिए। जितने भी राइट आंसर देंगे जल्दी से जल्दी मैं अप्लाई ऑनलाइन का वीडियो बनाऊंगा। यहां से क्लिक किया पे रजिस्टर पे सबसे पहले रजिस्टर करना होगा, उसके बाद जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलेगा यहां पे डालना होगा और लॉगिन करके इस एप्लीकेशन के लिए आप लोग इस भर्ती के लिए आसानी से अप्लाई कर पाएंगे। पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से वैकेंसी आ चुकी है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक बार जरूर ट्राई करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो के खत्म होते ही जैसे ही 4 वीडियो डिस्प्ले पर आएंगे उनको भी आप लोग देख सकते हैं।